पांडवों ने भगवान शिव के मंदिर बनाने में बहुत अपना योगदान ज्यादा दिया है ना। मतलब महाराष्ट्र में तो पांडवों के द्वारा बनाए गए भगवान शिव के मंदिर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, और उन्हीं में से बहुत सारे अंडररेटेड भी है और बहुत सारे फेमस भी है। तो एक अंडररेटेड मंदिर है जो कि मॉडरेटली फेमस है, जो कि पुणे के लोकल लोगों को ही पता है सिर्फ, उस मंदिर में आज हम जाने वाले हैं। और वो मंदिर अभी उसके अगल बगल थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है, वो तो हम वहाँ जाके देखेंगे, लेकिन बाणेश्वर मंदिर हम जाने वाले हैं अभी, जो कि मेन बाणेर सिटी में है, उसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा। और हमने अक्षु गोवा में भी किया था पांडव। हाँ, मतलब पांडवों का मैक्सिमम जो मंदिर होते हैं उनके द्वारा बनाए गए वो शिव मंदिर ही होते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अभी मंदिर के एरिया में। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही संकरी गलियां हैं, और अच्छा हुआ कि पहले ही पार्क कर दिया। यहाँ पे तो पार्किंग मुश्किल है, और बाइक का तो ठीक है, लेकिन कार का तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो पूरी बिल्डिंग से होकर हमको अंदर जाना है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ से है अंदर मेन मंदिर के लिए रास्ता। ये ऊपर के मंदिर का पूरा एरिया है, तो ये ऊपर का एरिया है, ये 360 व्यू है। और अंदर मतलब वहाँ पे है मेन मंदिर, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन ट्रैक के बारे में बात करें तो कुछ इतना ट्रैक है यहाँ पे, इसको ट्रैक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बस स्टीप है, चढ़ाई है यहाँ पे इसीलिए, वरना एक 15-20 स्टेप्स है यहाँ पे, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। सो ये नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस संकरे एरिया में जाएंगे वहाँ से। ऊपर के एरिया में भले ही आपको अभी शोर सुनाई दे रहा हो, लेकिन नीचे जब हम मेन गुफा में जाएंगे तब आपको वहाँ पे असली शांति महसूस होगी। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, और मैं इस वीडियो में कोई म्यूजिक नहीं डाल रहा ताकि वही शांति आपको भी महसूस हो। एक्चुअल एंट्री है यहाँ पे। सो ऐसे हम आए अभी, और ये संकरा रास्ता बिल्कुल। सो अगर यहाँ से एंट्री होती तो हमें ऐसे अंदर जाना पड़ता। अभी हमारे पीछे मेन लेनी है, और यहाँ पे सामने सनसेट का व्यू दिखता है। अभी देखिए एक घंटे में लगभग सनसेट हो जाएगा, और वहाँ से सिटीस्केप और पहाड़ों का एक मिक्स व्यू हमको यहाँ से देखने को मिलेगा सनसेट के वक्त। प्रेफरेबल टाइम यहाँ पे यही है कि सनसेट और सनराइज़ के वक्त यहाँ पे आया जाए, सुबह और शाम दोनों ही वक्त यहाँ पे एकदम कामिंग, शांत, सूदिंग और स्पिरिचुअल लगता है ना। ईसा पूर्व 1200 में इसका निर्माण हुआ था गाइस, मतलब इन केव्स का। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पांडवों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पे जो कठिन जो पर्वत था, मतलब कठिन पत्थर, उसको तोड़ के और उस पर कार्विंग्स करके ये बनाया गया है। और स्पेशली नंदी पे बहुत अच्छी तरह का कार्विंग्स हमको देखने को मिलता है अंदर। मेन तो शिवलिंग है, और उसके बगल में मतलब हमारे लेफ्ट साइड में वहाँ पे गणेश भगवान की भी मूर्ति है ना। और सारे ही मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है, पत्थरों से वो बनाई गई है, प्लास्टिक वगैरह से नहीं।
पर है तुकाई माता मंदिर। अगर हमने ट्रैक कंटिन्यू किया मतलब बाणेश्वर मंदिर से आगे ये ऐसा कुछ ट्रैक है, तो ये कंटिन्यू किया तो हमको ये लगता है सबसे मतलब ऊपर हिल टॉप पे तुकाई माता मंदिर। और यहाँ पे आप देखो तो मतलब बहुत ही विंडी है यहाँ पे, वो लगभग 25 से 20 स्टेप्स है वहाँ पे बाणेश्वर मंदिर के लिए, लेकिन यहाँ आने के लिए मेरे ख्याल से 100 से 150 स्टेप्स है। शाम को अच्छा है। अभी तो देखो शाम का माहौल है, लेकिन यहाँ से व्यूज इतने बढ़िया है। बाणेर एरिया, पिंपरी चिंचवड एरिया, ये सारे एरियाज में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, मतलब कंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो इसकी वजह से रोड्स की भी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत आराम से यहाँ पे पहुँच जाते हो आप। और यहाँ का जो मंदिर है तुकाई देवी मंदिर, जो कि सेकंड मंदिर हमने आज किया, वो भी बहुत ज्यादा पुराना है ना? हाँ, 400 साल पुराना लगभग वो मंदिर है, और अच्छा मंदिर है वो भी। 400 साल पुराना है लेकिन लगता नहीं ना कि कितना मेंटेन रखा हुआ है। हाँ, वो अभी उसी गांव के लोगों ने वहाँ पे आगे आके वॉलंटियर होके उन लोगों ने वहाँ पे किया है वो सब। और क्या है अक्षु, स्टेप्स है ना, इसीलिए सभी जाते हैं, सर रोड होता तो। प्रॉपर ट्रेक करके वहाँ पे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पहाड़ चढ़ के कोई नहीं जाता। हाँ, मतलब बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ।